कांग्रेस इसकी तैयारियों में जुट गई है। शिवराज सिंह चौहान के विधायकी छोड़ने के पहले जीतू पटवारी ने उपचुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया है। पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल को उम्मीदवार चयन और बूथ प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। शिवराज सिंह चौहान जो विदिशा से सांसद चुने गए हैं, अब केंद्रीय मंत्री हैं, ऐसे में उन्हें बुधनी सीट छोड़नी है और अब बुधनी में उपचुनाव होगा। इसके लिए कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। एमपी में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू कर दी गई है। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस सेवा का शुभारंभ किया, जिसके बाद भोपाल से पहली फ्लाइट जबलपुर पहुंची, जहां कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह और सांसद आशीष दुबे समेत कई लोगों ने इसका स्वागत किया। बता दें कि प्रदेश सरकार ने 6 शहरों के बीच में सेवा को शुरू किया है। जबलपुर के सांसद इस मौके पर मौजूद रहे, साथ ही कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह भी यहाँ इस मौके पर मौजूद रहे। भोपाल में मंत्रियों के बंगले के लिए कटने वाले पेड़ों को लेकर विरोध तेज हो गया है। स्थानीय लोगों ने पेड़ों से चिपक कर अपना विरोध जताया। पार्षद गुड्डू चौहान की अगुवाई में लोगों ने प्रोटेस्ट किया। पार्षद का कहना था कि पूरे भोपाल के 12% हिस्से में ग्रीनरी है और उसका 4% इलाका यही है। ऐसे में अगर पेड़ कट गए तो पर्यावरण में असंतुलन आ जाएगा। पार्षद ने किसी और जगह मंत्री विधायकों के लिए आवास बनाने की मांग की है। चिपको आंदोलन चालू हो रहा है, जिस प्रकार से राज शासन यहाँ मंत्रियों विधायकों को बगले बनाना चाह रहा है, जिस प्रकार से यहाँ अवैध रूप से स्मार्ट सिटी लाई गई थी, उसी प्रकार से आज यहाँ जिस प्रकार से सिपाहियाँ तुलसी नगर की जमीन को अधिग्रहण करने की कोशिश की जा रही है, हमारा स्पष्ट शासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यहाँ पर 60,645 पेड़ हैं, जो माननीय भुज मैडम ने जो जिसमें गिनती कराई थी उस समय इतने पेड़ निकले थे। इन पेड़ों को अगर हम काट देंगे तो ये पेड़ जिस प्रकार से तापमान इस बार 48 डिग्री गया है, अगली बार ये तापमान 50 के ऊपर होगा और भोपाल की 12% गिनती में से 4% गिनती जो है शिवाजी नगर तुलसी नगर में है। हम 30-35 साल से यहाँ अपने दुर्गा नगर शिवाजी नगर में रहते हैं। हमारे सास ससुर 50-60 के हो गए हैं, उन्होंने ये पेड़ पौधे लगाए हैं, उनके हाथ के पेड़ पौधे हैं। अब आप सोचिए, ये पेड़ पौधे कट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? और हमें भेजना चाह रहे कलखेड़ी। अगर भेजना है तो विधायक मंत्रियों को भेजे, हमें यहाँ से क्यों हटाना चाह रहे हैं। अब बात अशोकनगर की, जहां खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने चक्का जाम कर दिया। सरकारी खाद वितरण केंद्र के बाहर प्रोटेस्ट किया। सिर्फ 2 बोरी डीएपी खाद मिलने पर यहां किसान काफी नाराज थे और इसीलिए उन्होंने अपनी मांग को लेकर चक्का जाम लगा दिया। पर्याप्त खाद किसानों को नहीं मिल रही है, इसकी वजह से नाराजगी देखने को मिली है। तो डीएपी मिलना, एक ग्रो मिलना है, किसान की जरूरत है कि डीएपी मिलना चाहिए, गेहूं नहीं चाहिए, गेहूं तो गेहूं और सरसों के लिए नहीं चाहिए। 1 बीघा पे लग जाता है, 2 बीघा पे लग जाता है 1 कट्टा। ये क्या हिसाब से दे रहे हैं? ये दे रहे हैं 4 बीघा आप 2 कट्टे दे रहे हैं बस। ये आज ही कम मिल रही है, शुरू से कम दे रहे हैं? नहीं, आज ही कम मिल रही है। अधिकारी नहीं आया अभी कोई आपके पास? इंदौर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हो गया। एक बुजुर्ग तो इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने खुद पर ही थप्पड़ की बरसात कर दी। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। अतिक्रमण दस्ते का विरोध, चौपाटी हटाने का विरोध, बुजुर्ग का थप्पड़ कांड। तस्वीरें इंदौर के अन्नपूर्णा इलाके की है। यहाँ पर नगर निगम का दस्ता है, मौके पर पुलिस है, स्थानीय लोग हैं। प्रशासन की टीम अवैध रूप से चौपाटी को हटाने पहुंची है, लेकिन मौके पर मौजूद लोग विरोध कर रहे हैं। तस्वीरों में एक व्यक्ति हाथ जोड़े खड़ा है तो वहीं बुजुर्ग बात करते दिख रहे हैं। दोनों तरफ से बातचीत चल रही है, लेकिन इस बीच बुजुर्ग ने कुछ ऐसा किया जिसने अतिक्रमण हटाने गई टीम को भी सन्न कर दिया। बुजुर्ग ने अचानक खुद को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए।
हालांकि बाद में निगम के अधिकारियों ने समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया। इंदौर के सुदामा नगर और विश्वकर्मा नगर में 350 अवैध निर्माण किए गए हैं। इसके अलावा 25 से ज्यादा दुकानें भी अवैध हैं। अतिक्रमण हटाने से पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन व्यापारियों ने न तो दुकान हटाई न ही अवैध निर्माण। ऐसे में प्रशासन जब कार्रवाई के लिए पहुंचा तो यहां ये हंगामा मच गया। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18, इंदौर। वहीं सीहोर में भी अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन किया गया है और 16 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटा दिया गया। जाली गांव के कन्या छात्रावास परिसर में यह कार्रवाई हुई है। 34 करोड़ की लागत से छात्रावास बन रहा है। राजस्व और पुलिस टीम ने यहां पर एक्शन लिया, 16 एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। झाली में कन्या शिक्षा परिसर बन रहा है और आदिम जाति कल्याण विभाग को पूर्व में आवंटित की गई थी भूमि, उसका कब्जा दिलाया गया है आज। तो कुछ अतिक्रमण था कृषि भूमि का, तो उसको हटा के और संबंधित विभाग को निर्माण के लिए कब्जा सौंपा गया है। सर, करीब कितने एकड़ में अतिक्रमण हटा गया? ये लगभग 8 एकड़ के आसपास अतिक्रमण था, जो खेती कर रहे थे कुछ लोग, उनको हटाकर और कब्जा विभाग को सौंपा गया। और अब बात खंडवा की, जहां सहेजला हाट बाजार में ग्रामीण और व्यापारी के बीच मारपीट हो गई। बताया जाता है कि किसान का व्यापारी के साथ रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने व्यापारी को लाठी डंडों से जमकर पीटा। मुरैना में 2 दिन पहले हुई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा लेने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश में हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक 50 साल बाद हत्या के बदले के लिए ये मर्डर किया गया। आरोपी ने 50 साल पहले जमीन विवाद में अपने बाबा की हत्या का बदला लिया है। दतिया में पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से 4 कट्टे और कारतूस भी बरामद किए हैं। सेवड़ा इलाके में ये गिरफ्तारी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, डकैती की प्लानिंग कर रहे थे ये बदमाश, जब इन्हें धर दबोचा गया इनके पास से 4 कट्टे मिले हैं और कारतूस भी मिला। इंदौर में ट्रेन में बैग में मिली महिला की लाश की मर्डर मिस्ट्री अभी भी पहेली बनी हुई है। शव मिलने के 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग पाया है। वहीं महिला की पहचान के लिए उज्जैन में पुलिस ने पोस्टर लगवाए हैं, साथ ही जानकारी देने वालों को 10,000 इनाम देने का ऐलान भी किया है। शनिवार को इंदौर रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के बोगी में महिला का आधा शरीर बैग के अंदर मिला था। वहीं जीआरपी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। उसी दौरान दूसरे दिन पता चलता है कि ऋषिकेश में महिला के कुछ अंग जो हैं वहां प्राप्त हुए हैं। इसके बाद ऋषिकेश पुलिस अपने स्तर पर जांच में जुट गई और इंदौर पुलिस अपने स्तर पर मेघनगर पुलिस को साथ में लेकर पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा संशय जो है उज्जैन रेलवे स्टेशन बना हुआ है, क्योंकि जब जो ट्रेन में जो डेड बॉडी के जो हिस्से मिले हैं उस हिस्से के कारण जो महिला थी, बताया जा रहा है कि उनका जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो 2 ट्रेनों में उज्जैन रेलवे स्टेशन पर ही रखे गए हैं, क्योंकि उज्जैन रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे तकनीकी खराबी के कारण खराब पड़े हैं, जिसके कारण पुलिस को सुराग नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि उज्जैन पुलिस ने भी जो जीआरपी पुलिस है वो भी अब इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। साथ ही जो है इंदौर जीआरपी पुलिस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें सूचना देने वाले को जो है 10,000 रुपये का इनाम देने की बात की गई है। साथ ही इसमें ये भी कहा गया है कि जो महिला के पहचान बताएगा तो उसे पुलिस के द्वारा इनाम दिया जाएगा। महिला का जो है अंदेशा जताया जा रहा है कि महिला गुजरात के मेघनगर के आसपास की रहने वाली जो है, उस पर संशय बना हुआ है, क्योंकि आशंका है कि महिला शायद गुजरात की है, क्योंकि उसके हाथ पर मीरा बेन लिखा है और गोपाल भाई लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं गुजरात की रहने वाली महिला
होने का अंदेशा जताया जा रहा है। इसी के साथ उज्जैन से और नागदा और उज्जैन से इंदौर के बीच में जितने भी स्टेशन हैं, इन सब स्टेशनों की भी जांच, जो कैमरा लगे हैं उनकी भी जांच की जा रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस पर क्या खुलासा होता है और कौन आरोपी है जिसने इतनी जघन्य हत्या को अंजाम दिया। अजय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। और अब बात खरगोन की, जहां भीगन गांव थाने में जमकर बवाल हो गया। यहां महिला सफाई कर्मियों ने